हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेहतरीन खाना यूट्यूब चैनल में। आज हम दाल मखनी बनाएंगे। दाल बनाने के लिए हमने ये साबुत उड़द की दाल ली है, इसको धो के साफ कर लिए। इसकी हम दाल मखनी बनाएंगे। एक कटोरी हमने दाल इसी से भिगोई थी धो के, इसी से हम पानी डालेंगे। एक कटोरी दाल में हम चार कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि ये साबुत दाल है, ये थोड़ा पानी ज़्यादा सोखती है। चार कटोरी हो गए। एक चम्मच नमक डालेंगे, इसमें ढक्कन लगा देंगे कुकर में, और हम इसको 6 से 7 सीटी लगवा लेते हैं। दाल में हमने 6 सीटी लगा ली है, इसकी भाप निकल गई है, खोल के देख लेते हैं। देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे, मिला लेंगे इसको, 5 मिनट दूध के साथ पका लेंगे। गैस जला दिया हमने, इसको हम पका लेते हैं। दूध डाल के हमने इसको 5 मिनट उबाल लिया है। अब इसको हटा देते हैं, हम तड़का लगाएंगे। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। खड़े मसालों में हमने दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का एक टुकड़ा, इलायची, 3-4 लौंग हैं, 4-5 काली मिर्च और जीरा डाल देते हैं। चार पांच लहसुन और 1-3 अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया, ये भी डाल देते हैं। दो हरी मिर्ची हैं, ये भी डाल देते हैं। 2 प्याज हमने काटी हैं बारीक बारीक, ये भी इसमें डाल देंगे। मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। ये दाल रोटी से, पराठे से, चावल से बहुत स्वाद लगती है, बिल्कुल दाल मखनी जैसी बनती है। इसे दूध डाल के आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बनती है दाल। प्याज को हम भून लेते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अच्छे से मसाला भुन गए। 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी मैं इसमें, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, मिला लेंगे मसालों को। मिक्सी में हमने 4 टमाटर पीसे हैं, ये भी डाल लेते हैं। मसाले को जितने अच्छे से भूलेंगे उतनी दाल बहुत टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, हमने 1 चम्मच दाल में भी डाला हुआ है नमक, और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला देखिए अच्छे से भुन गया, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। दाल हम इसमें मसाले में पलट देते हैं, मसाले में मिला लेते हैं। मसाले के साथ हम इसको 5 मिनट पका लेते हैं, इसमें मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। दाल हमारी बन गई है, 5 मिनट हमने पका ली है, गैस हम बंद कर देते हैं। देखिए कितनी अच्छी दाल लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है दाल। अब इसमें हम थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।